आज ये जो धरने प्रदर्शन का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ विधायक साथी, पार्षद साथी और संसद के हमारे साथी आए और एक मैसेज जो है दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को दिया जाए कि जो देश के करीब 24 लाख बच्चों के साथ इस बार हुआ है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा ठीक है, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट MBBS के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्जाम को देते हैं और 16-16 घंटे 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से MBBS के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्जाम बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही। कभी ये नहीं सुना गया कि आप पैसे देके PMT के एग्जाम के अंदर बेहतर नंबर ला सकते हैं, ये कभी नहीं सुना हिंदुस्तान में। ये तो जरूर सुना गया कि आप प्राइवेट सीट ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, मगर PMT के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आप पैसा देके अच्छी रैंक ले सकते हैं, ये बात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं सुनी गई। और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की MBBS, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीजों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान के स्पेशलिस्ट, इनकी बहुत भारी डिमांड है। दुनिया भर के अस्पतालों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, UK हो, सब जगह भारतीय डॉक्टरों की एक बड़ी डिमांड मानी जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया, यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा
जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के माँ बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है, ये 24 लाख बच्चे तो वो है जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ही एग्जाम देना है, उनके मां बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे उनके मां बाप परेशान हैं, 10वीं के बच्चे परेशान हैं, मां बाप परेशान हैं, 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे या 50 लाख रुपए देने वालों के नंबर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे आप क्या सोच के तैयारी करेंगे? 18-18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा, 50 लाख रुपए जिसके मां बाप दे दे उसको क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो डॉक्टर बन जाएगा। और वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? वो तो ये कहेगा कि मां बाप ने 50 लाख रुपए देके डॉक्टर बनाया है, पहले 1 करोड़ रुपए मां बाप को कमा के वापस दूं, बाद में डॉक्टरी देखी जाएगी। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। मैं अपने विधायक साथियों को, पार्षद साथियों को बताना चाहता हूं, आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है, ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग घायल होते हैं, उसके ऊपर टीवी पे बहस नहीं होगी। दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उस पर बहस नहीं होगी। केंद्र चुप बैठा है, इस पर बहस नहीं होगी। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो बना देगी कि देखो पानी लीक हो रहा है, उस पर सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है। ये बात हमको समझनी है और लोगों को समझानी है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, ताकि अगर मीडिया ना भी दिखाए तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।